शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर आगरा से है, जहां बिहटा गांव के नजदीक फर्जी पुलिसकर्मी बन तीन बाइक सवारों ने ट्रक चालक से पैसा मांगा। ट्रक चालक द्वारा पैसा न देने पर ट्रक का पीछा किया गया और फिर ट्रक को रोककर ट्रक चालक की युवकों ने पिटाई कर दी। बता दें कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी होने पर काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की और घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक चालक ने बाइक सवारों पर लूट का भी आरोप लगाया है। वही खबर आगरा से है, जहां परीक्षाओं में पैसे लेकर पास कराने वाले सॉल्वर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11 आधार कार्ड, 2 एडमिट कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 1 वाहन और नकदी भी बरामद की है। वही खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 8 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। इनमें से जनपद हाथरस, कासगंज, एटा से मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं। अभी और मोटरसाइकिलों के कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त पूरे गिरोह में वाहन को खरीदने वाले, वाहन को काटने वाले और चुराने वाले, तीन प्रकार की विंग इनकी है जो काम करती है ऑर्गेनाइज्ड वे में। इस प्रकार से कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा अत्यंत उल्लेखनीय सफलता। वही खबर आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने दो पहिया वाहन चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वही पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में कुल 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना सिकंदरा पुलिस ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने हेतु कार्य करते हुए एक वाहन चोर, दोपहिया वाहन चोर गैंग को पकड़ा है और इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और 9 मोटरसाइकिल में 3 मोटरसाइकिल पूर्व के लिखे मुकदमे से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और बाकी के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ से चोरी किया, कैसे चोरी किया और उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। और इन लोगों का कुछ कार्यप्रणाली इस प्रकार था कि एक व्यक्ति है जो इसका मास्टरमाइंड है, वो वाहन चोरी करवाया करता था और वो जिसको बेचा करता था, उन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है और वो लोग मोटरसाइकिल को काट करके उसके पार्ट्स अलग अलग करके बेच दिया करते हैं ताकि सारा सबूत नष्ट हो जाए और ये पकड़ में ना आए। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी है और यह धरना राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले किया जा रहा है। बता दें कि बैनर और तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने भी इस प्रदर्शन में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस प्रदर्शन में प्रधान संगठन ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने यह बताया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जिला चिकित्सालय में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल से मरीजों को अपनी जांच कराने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी हड़ताल का 5वां दिन है। क्या मांगे आपकी? हमारा 13 सूत्री मांगे हैं, पदनाम को लेके, ग्रेड पे को लेके, वेतन भत्ते, प्रमोशन चैनल को लेके और रिस्क अलाउंसमेंट, ऐसे करके 13 मांगे हैं हमारे। मांगे नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। तो इसका स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रभाव पड़ रहा है? जरूर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पर ये हमारी मजबूरी है। ये पूरे प्रदेश लेवल पे हो रही है कि मतलब 52 जिलों में पूरे प्रदेश स्तर पे हो रही है? पूरे प्रदेश स्तर। कितने कर्मचारी लगभग हड़ताल पे? अभी 50 से 52 करीबन हड़ताल पे है मंदसौर जिले में, बाकी प्रदेश में 4000 जो है लैब टेक्नीशियन हड़ताल पे।
वही खबर कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र से है, जहां पर लूटपाट, चोरी और हत्या करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जिहादी मानसिकता का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि देश में 2 वर्षों के अंदर बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और 32 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। वहीं 8 जनवरी को असम के करीमगंज जिले में 16 वर्ष के बजरंग दल कार्यकर्ता शंभू कैरी की जिहादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी थी। इसको लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात के अकबरपुर चौराहे पर जिहादी मानसिकता और हिंदू विरोधी संगठनों के विरोध में पुतला फूका है और घंटों तक सड़क जाम कर हंगामा भी किया। ये एक्चुअली ऐसा है कि 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज में एक 16 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में इन्होंने इनके प्रांतीय जो भी संगठन है उन्होंने इनको धरने के लिए ये कहा गया था, निर्देश मिले थे, जिसके क्रम में उन्होंने यहाँ पे आज धरना दिया है और एक ज्ञापन सौंपा है जो कि हम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से महामहिम तक पहुँचा देंगे। विगत 2 वर्षों से लगभग 10 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिहादी मानसिकता द्वारा लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुआ, हिंदू नेताओं को हुआ, हिंदू हित में बात करने वाले लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही असम में एक 16 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल्ली में हमने देखा एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके 32 टुकड़े कर दिए गए। जिहादियों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा अभी हमारी नज़र में टारगेट में बहुत से हिंदू नेता हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन। खबर एक कासगंज से है, जहां पर 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची की तालाब में डूबकर मौत हो गई। परिजनों को खोजबीन के बाद तालाब में मासूम का शव देखा गया। वही बच्ची का शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि घटना सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गड़िया रेत पहाड़पुर कटरा की बताई जा रही है। खबर जनपद फरुखाबाद के कायमगंज से है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रथम उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर बताकर डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल फरुखाबाद के लिए रेफर कर दिया है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये कौन है, आप जानते हैं क्या? अच्छा, ये कहाँ मिले, कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट पता लगा कुछ? हमारे सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, हम गए तो पड़े थे। तो इन्हें कैसे लाए हो आप? बाइक चलाए हो?